हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अजय सर कॉमर्स क्लासेस। और आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक न्यूमेरिकल। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पूरी तरह एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, व्हाई इट इज प्रिपेयर एंड हाउ इट इज प्रिपेयर। नाउ वी आर टेकिंग ए क्वेश्चन, अ फ्रेश क्वेश्चन टू सॉल्व द पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज मैं आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फुल क्वेश्चन पूरी तरह से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले रीड कर रहा हूँ, फिर ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मैं कुछ देर के लिए दिखाऊंगा आपको, और ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यानी कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहला जो कंसेप्ट मैंने हमेशा कहा है कि क्वेश्चन को क्वेश्चन पेपर या नोटबुक मतलब बुक में मत रहने दो, वो क्वेश्चन पूरी तरह हमारे पास हमारी नोटबुक में हो, हमारी नोटबुक में हो एज ए वर्किंग नोट और गिवन। यानी कि मैंने इस क्वेश्चन को लिया है वर्किंग नोट गिवन। तो मैं एक बार क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं आपके सामने, और देखिए मैंने क्वेश्चन किस तरीके से पूरा का पूरा यहां पर ले लिया है, एंड देन मैंने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट प्रेम गेटिंग द सैलरी 2500 पर मंथ। प्रेम मनोज पार्टनर, रेशो 3:2, प्रेम गेटिंग सैलरी 2500 पर मंथ। तो पर मंथ चाहिए ही नहीं क्योंकि फुल ईयर का है, तो 2500 में 12 की मल्टीप्लाई करके दैट मींस कि जो हमारे पास सैलरी देनी है प्रेम को दैट इज 30,000। हो गया क्वेश्चन, ये लिख दे। कंटिन्यू क्वेश्चन पर आपका जो ध्यान है वो ये होना चाहिए कि क्वेश्चन मेरी बुक में ना रहे, क्योंकि जितनी बार क्वेश्चन को आप बुक से पढ़ोगे उतना कंफ्यूजन होगा। दूसरा, जो कॉन्फिडेंस लेवल है क्वेश्चन को करने का, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी धीरे धीरे लूज होता जाता है। तो प्रैक्टिस करने पे आप मेहनत करते रहते हैं तो, लेकिन वो क्वालिटी क्रिएट नहीं होती। तो क्वालिटी क्रिएट करने के लिए हमेशा क्वेश्चन को कहते हैं ना नोटबुक पर कॉपी कर लीजिए, किस तरीके से, अपने स्टाइल में। ये नहीं क्वेश्चन वैसे ही जैसे लिखा है, अपने स्टाइल में कि मुझे क्या चाहिए। भाई प्रेम मनोज दो पार्टनर हैं, इसमें सैलरी दे रहा हूं मैं 30,000। इसके बाद वो कह रहा है कमीशन देना है, कमीशन देना है पर मंथ मनोज को, तो मनोज को कमीशन 10,000 रुपीज। पूरी लैंग्वेज है, मैं डायरेक्ट पढ़ सकता हूँ। प्रेम मनोज दो पार्टनर 3:2 का रेशो, सैलरी देना है पी को 30,000, मनोज को 10,000। यानी कि अब हम इसमें ये मिस्टेक भी नहीं करेंगे कि सैलरी मुझे 2500 देनी है या 30,000 देनी है, पर मंथ है तो 30,000 देनी है। क्लियर हो गया। इसके बाद वो कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना है। मैं तुरंत लिखा IOC 5% देना है, IOD 6% देना है। लेकिन इसी क्वेश्चन में ये दो अमाउंट उसने हमसे कैलकुलेट नहीं कराई, उसने हमें डायरेक्टली अमाउंट दे दी कि भाई आईओडी पी के लिए 1250 है और एम मनोज के लिए 425 है। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मेंशन कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रेम के लिए है 10,000 और मनोज के लिए है 7500। ठीक है, ये क्वेश्चन अब आपको थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। और इस साल का जो प्रॉफिट है वो है 90,575,000। ठीक है, तो ये मैंने आपको मेंशन किया है, यानी क्वेश्चन में अब आप समझेंगे कि क्या क्या इसमें करना है। यानी वी आर प्रिपेयरिंग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। यानी परफॉर्मा आपको मेरी पिछली वीडियो देखकर क्लियर हो जाएगा, आप मेरी प्लेलिस्ट पर जाएं और सारी वीडियोस को कंटिन्यू देखते चले जाएं, क्योंकि मैंने एक एक कंटेंट्स को पूरी प्लेलिस्ट में इस तरह से मेंटेन किया है कि छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको समझ में आए। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये वर्किंग नोट है क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, तो मैं आपको केवल इतने पोर्शन पे मैंने वर्किंग नोट लगा दिया है। आप फ्रेश तरीके से पहले वर्किंग नोट बनाएंगे एंड देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। क्योंकि मेरा पुराना क्वेश्चन मैंने 2019 का ही ले लिया, क्योंकि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन जो आपने देखा होगा वो 2019 का ही है। तो इस साल जो हमने प्रॉफिट कमाया वो सबसे लास्ट में दिया हुआ था, सबसे लास्ट में। हम चाहते तो उसको भी वर्किंग नोट में लिख लेते, लेकिन हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और 90,575 हमने डायरेक्टली लिख दिए। अब इस क्वेश्चन में जो खास बात थी, ये क्वेश्चन इजी था। क्यों इजी था? एक तो इसके अंदर जो प्रॉफिट मेंशन है इसके अंदर कोई भी डिस्टर्ब पॉइंट उन्होंने नहीं डाला, उन्होंने डायरेक्टली मेंशन किया इस ईयर में हमने 90,575 अर्न किए। इस क्वेश्चन को मूव कर सकता था, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता था, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग सैलरी बिफोर, ये तो ये चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है।
यानी कि आपको जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वो नेट प्रॉफिट यानी कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर कोई अमाउंट मुझे डालनी है तो उस अमाउंट के आफ्टर का प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमेशा बिफोर का चाहिए। यदि कोई भी अमाउंट आफ्टर की दी है तो मैं उस प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा। फिलहाल सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब क्वेश्चन पूरा मेरे सामने है, 3:2 का रेशो है, बचा हुआ प्रॉफिट मैं ऐसे बांटूंगा और किस किस तरीके से अमाउंट को देनी है। कमीशन टू मनोज, तो कमीशन टू मनोज 10,000। सैलरी टू प्रेम 30,000 डायरेक्ट दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्ट दिया हुआ है 10,000 और 7,500 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 और 7,500 टोटल 17,500। इसके अलावा एक आईओडी दिया हुआ है जिसे कैलकुलेट नहीं कराया उसने, डायरेक्ट दिया, परसेंटेज दी थी बट अमाउंट भी डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया है, यानी कि प्रेम के लिए 1250, मनोज के लिए 425, दैट मींस 1675। तो टोटल हमने लिया 90,575 और 1675 टोटल हो गया 92,250। क्लियर? अब हमने इसका टोटल दोनों अमाउंट मिल गई मुझे। अब हमने तीन अमाउंट हमारे पास अवेलेबल हैं, 17,500 इंटरेस्ट के, 10,000 फॉर द कमीशन टू मनोज, 30,000 फॉर द सैलरी टू प्रेम। तो 57,500 92,250 में से हमने इसको माइनस कर दिया, अमाउंट आ गया 34,750 एंड इट विल बी डिवाइडेड टू द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। तो 3:2 में 34,750 को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करना हमें आना चाहिए कि जो रेशियो होता है उसका टोटल कर लेते हैं हमेशा, 3:5, यानी कि 34,750 इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 20,580 हमारे पास पहले पार्टनर यानी प्रेम का आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आया था उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर रहा होता तो 13,900, यानी 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये, और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 13,900। यानी कैलकुलेट करना बिल्कुल इजी है, यानी पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन उसने दी है ये सब डीड के अकॉर्डिंग थी, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। मैंने सेकंड लाइन ही पढ़कर बताई थी आपको, अकॉर्डिंग टू डीड। अब अगर डीड नहीं कहती तो मैं कुछ भी नहीं देता, डायरेक्टली 90,575 को सीधा सीधा पार्टनर्स में डिवाइड कर देता। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को माइंड में लीजिए, यानी कि हमें जो अमाउंट डालनी है, जो अमाउंट प्रॉफिट में से डिडक्ट करनी है, केवल वही अमाउंट इधर आ रही है और एक आईओडी इधर आ रहा है, यानी कि आप इसे थोड़ा थोड़ा लर्न भी कर सकते हैं, वैसे तो समझने का कंसेप्ट है। इसके बाद टॉपिक आता है इसकी जर्नल एंट्रीज का। मैं चाहता हूं कि आपको इसकी जर्नल एंट्री बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आए। मैं भी और क्वेश्चंस कराऊंगा आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के, जिसमें टेक्निकल पॉइंट्स होंगे, उन टेक्निकल पॉइंट्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मेरा मन है कि मैं आपको सिंपल पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का कंसेप्ट सिखा पाऊं और उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री हम बनाए। तो जर्नल एंट्री में ये वर्किंग नोट तो समझ में आ ही चुका है हमें, तो इस वर्किंग नोट को मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है मेरे बच्चा, ये तो वर्किंग नोट केवल क्वेश्चन में से कॉपी करना है आपको, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते थे, मैंने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट इसमें डाला क्वेश्चन में। अब इसके बाद हम इसकी बना रहे हैं जर्नल एंट्री। तो जब भी हम इसकी जर्नल एंट्रीज में हम किस तरीके से बनाएंगे, मैंने आपको सीधा सीधा कंसेप्ट बताया था। आप कोई भी एक साइड उठा लीजिए, चाहो तो आप डेबिट साइड, चाहो तो आप क्रेडिट साइड। अगर आप इस साइड हैं तो इस साइड को ले लीजिए, पहले मर्जी है हमारी, ये साइड हमने उठा लिया। आप देख रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ध्यान दे रहे हैं ना आप, ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट, या दैट मींस कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट यानी कि टू, कोई भी चीज क्रेडिट होती है तो दैट मींस टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो टू पीएल appropriation account, ठीक है। तो क्रेडिट तो मुझे मिल गया, फिर डेबिट क्या है, डेबिट है जो टर्म्स इसमें लिखी हुई है, लिखी हुई कौन सी है, पीएल, दैट मींस कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट 90,575,
90,575। जर्नल का परफॉर्मा क्लियर है नहीं है हमें, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन जर्नल के परफॉर्मे में ही लिखना है, ऐसे नहीं है कुछ भी लिख रहे हैं। ये तो मैं आपको केवल कंसेप्ट सिखा रहा हूं कि एंट्रीज किस तरीके से पास हुई। क्लियर हुई? अब दूसरी एंट्री है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। किस चीज की है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। तो आई ओ डी के लिए फिर वही प्रॉब्लम है कि जो पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, टू पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, भाई साइड में हूं तो पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो टू ही होगा, फिर डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। क्या होगा बेटा? आई ओ डी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट है? 1675। क्लियर है हमारी? तो अब चाहे तो इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को आप कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे जिसमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बताया था, तो उसमें मैंने कैपिटल अकाउंट भी बताया आपको। कैपिटल अकाउंट टू टाइप्स के हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, उनमें भी मैंने आपको बताया। सिस्टम मैंने सारा क्लियर किया हुआ है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी पिछली वीडियो को चेक कर लें। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मेरा हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को क्लियर करने के बाद ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, यानी जितनी भी चीजें मैंने पार्टनर्स को डिवाइड की हैं, इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट। क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट? ये जाकर हो जाएगा क्रेडिट। क्या हो जाएगा? क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये शॉर्टकट में लिखना, पूरा पूरा लिखना है आपको, ये मैं केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हमेशा रूल्स है अकाउंट का कि जो डेबिट है वो क्रेडिट जरूर होगा, जो क्रेडिट है वो डेबिट जरूर होगा, ठीक है ना? जिस चीज को आपको समाप्त करना है वो अपोजिट जरूर होगा। जैसे कि आपका प्रॉफिट है, पीछे से प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट, वो हमने यहां डाल दिया, प्रॉफिट समाप्त हो गया। अब प्रॉफिट को पीएल में डालकर बना दी ना एंट्री, समाप्त हो गया। अब आईओडी हमने बनाया, अब ये आईओडी बन गया हमारे पास, तो आईओडी को कहां ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन कौन से पार्टनर है? प्रेम्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा कौन है हमारे पास? मनोज, तो मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पर आप पी और एम लिख सकते हैं डायरेक्टली। और ये अमाउंट कितनी है? इसके लिए अमाउंट है 1250, इसके लिए अमाउंट है 425, और टोटल है मेरे पास 1675। हो गया, क्रेडिट साइड बिल्कुल क्लियर हो गई, एंट्री समझ में आ गई मुझे, तो कुछ दिक्कत नहीं है। यही सेम कंसेप्ट डेबिट में है, यही सेम कंसेप्ट डेबिट में है। आप चाहें तो इसके लिए एक ही एंट्री भी बना सकता हूं मैं, जैसे कि इस साइड में हूं तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, यानी इधर के लिए एंट्री बनानी है तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मेरा डेबिट ही होगा। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट। या एंट्री बना दूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। हो गया ना? तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तो डेबिट हो गया। किस किस चीज से है? एक तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किससे है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। चाहे तो दूसरी एंट्री भी बना दें, टू कमीशन टू मनोज टू सैलरी टू प्रेम, इसके बाद प्रॉफिट ट्रांसफर है, ये दोनों पॉइंट्स में डाल दी एक ही एंट्री में। यानी कि हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 17,500, इसको देने थे 10,000, इसको देने थे 30,000। अब इतना बड़ा क्वेश्चन करने की बजाय हमने इसको शॉर्ट में तीन एंट्रीज को एक साथ ले लिया, 1 2 3, इजी हो गया ना हमारा क्वेश्चन। तो कितना हो गया? 30 और 10 40 और 157 500। जनरली अलग अलग लेते हैं, देखिए अगर जरा सा भी कंफ्यूजन आपको लगे तो एंट्री अलग अलग लेना। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एंट्री हो गई, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू एम दूसरी एंट्री हो गई, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू प्रेम थर्ड एंट्री हो गई, यानी तीन एंट्रीज बनी, मैंने तीन की एक ही बना दी। ऐसे ही अब ये सम अमाउंट ट्रांसफर होनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किसमें ट्रांसफर होनी है? पार्टनर्स। तो जितना भी चीज क्रेडिट हुई है वो डेबिट भी होना जरूरी है, यानी कि क्या क्या डेबिट होना जरूरी है देखिए फटाफट। आईओसी डेबिट, कमीशन टू मनोज डेबिट, सैलरी टू प्रेम डेबिट,
टू प्रीम्स, नाम था पहले प्रीम्स कैपिटल अकाउंट और टू मनोज कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखिए, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिए कि 17,500 इंटरेस्ट के, 10,000 कमीशन के, 30,000 सैलरी के, तो जिस जिसके अकाउंट में जितनी जितनी अमाउंट थी उतनी उतनी अमाउंट आपको टोटल करके डालनी पड़ेगी। यहां थोड़ा सा लापरवाही से काम नहीं कर सकते हैं, या तो अलग अलग एंट्री बनाइए क्योंकि अलग अलग अमाउंट आपको दी हुई है। और अगर आप इस तरीके से एंट्री बना रहे हैं टू पीज कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, तो इस सिचुएशन में आपको एंट्री की अमाउंट को मैच करना पड़ेगा। तो देखिए प्रेम के अकाउंट में है 10,000, समझ के चलना है क्वेश्चन को, नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते थे भाई, इसकी हम तीन एंट्री बनाते फिर इन तीन एंट्रीज की और तीन तीन एंट्री बनाते भाई, इसके लिए फिर तीन एंट्रीज हो गई, फिर इसकी तीन एंट्रीज अलग, क्योंकि ये सभी क्रेडिट होने के बाद वापस डेबिट होनी है। अब आईओसी है 17,500, इसमें 10,000 प्रेम के हैं और 7,500 मनोज के हैं, तो पहले प्रेम की अमाउंट देख लो, 10,000 ये है, 30,000 ये है, 10 और 30 40,000, तो 40,000 तो पहुंचने हैं प्रेम के अकाउंट में, 40,000 पहुंचने हैं प्रेम के अकाउंट में, मनोज के में 10 और 7,500 यानी 17,500 पहुंचने हैं मनोज के अकाउंट में। अब आप इसको देखिए आराम से, यानी एंट्रीज में कंफ्यूजन नहीं लेना है, एंट्री सीधी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एंट्री, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू एम दूसरी एंट्री, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी टू पी तीसरी एंट्री। अब ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगी, तो जो जो क्रेडिट हुआ वो डेबिट करते जाओ और पार्टनर्स के अकाउंट में डालते जाओ। ये कमीशन है टू कमीशन टू एम, तो फिर कमीशन टू एम अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, टू सैलरी टू पी है तो सैलरी डेबिट हो जाएगी, सैलरी टू पी अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। ये इस तरीके से एंट्री है, एक साथ बनाना चाहो तो ये बन गई, अलग अलग चाहो तो अलग अलग बन गई हमारे पास। सबसे लास्ट में ये एंट्री बचती है, इस एंट्री को आप समझ लीजिए, सबसे लास्ट की एंट्री कौन सी बचती है, ये यानी कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि 34,750 मैंने डिवाइड किए, जिसमें से 20,580 इसके शेयर में और 13,900 इसके शेयर। अब क्वेश्चन को छोटे छोटे बारीक पॉइंट से आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन में क्या करना है। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको मैंने वर्किंग नोट में लिखा, उससे रिलेटेड कोई टेक्निकल पॉइंट है तो उसको अरेंज किया, एंड देन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस डेट में है, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए इस साल का प्रॉफिट कितना है, क्या वो प्रॉफिट टेक्निकल दिया हुआ है या सीधा सीधा दिया हुआ है, सीधा सीधा दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिख दिया, टेक्निकल होगा तो उसे चेंज करना होगा। कोई भी चीज जो मैंने यहां लिखी है इसके नाम प्रॉफिट में आफ्टर नहीं लिखे होने चाहिए, क्या लिखे होने चाहिए, आफ्टर। अगर आफ्टर लिखे हुए हैं तो पहले वो अमाउंट प्रॉफिट में ऐड करेंगे फिर कैलकुलेट करेंगे, फिलहाल सीधा सीधा है हमारा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। तो अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सॉल्व था, हमने डायरेक्ट डाल दिया, कमीशन सॉल्व था, सैलरी सॉल्व थी, टोटल डिफरेंस करके हमने प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमारा टॉपिक हुआ जर्नल एंट्री के लिए, जर्नल के लिए यहां पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो क्रेडिट है तो डेबिट क्या है, पीएल, यहां पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट है, ठीक है जी क्रेडिट है, तो डेबिट क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर होनी है क्योंकि जो डेबिट है वो क्रेडिट जरूर होगा, पीएल तो पहले से ही ऊपर से आ रहा है तो यानी डबल होकर अपने आप उसकी एंट्री पूरी हो चुकी है। यहां पर आकर जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो ट्रांसफर हो गया कैपिटल अकाउंट में, तो पीज और एम्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी जो डेबिट है वो क्रेडिट होगा, जो क्रेडिट है वो डेबिट होगा और अल्टीमेटली वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने हैं। तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर, ये प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तीनों मैंने ट्रांसफर कर दिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्री बना दी और फिर इन तीनों को उठाकर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर। यानी छोटी छोटी बातों को आपको आराम से समझना है कि मैंने आपसे क्या कहा, सिंपल सिंपल एंट्रीज को आपको अपने माइंड में फीड करनी है। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो मेन जरूरी है कि अगर आपने अभी तक बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। मैं हर टॉपिक्स पर नई नई वीडियोज आपके लिए बनाकर डालता रहता हूँ, प्ले लिस्ट में आप मेरी सारी वीडियो को लगातार देख सकते हैं। और मेरी वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। थैंक यू, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।